नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार बेहद ही अलग अंदाज में दिख रही है। पीएम मोदी जिसके लिए जाने जाते हैं वो उनके एक्शन में भी पूरी तरह नजर आ रहा है। भाजपा ही है जो संकल्प लेने के बाद उसे सिद्ध भी करती है। पीएम मोदी का ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। बीते 6 महीने में जिस तरह से मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले ले रही है, उससे एक तरफ मोदी विरोधी खेमा के पैरों तले जमीन खिसक गई है, तो दूसरी तरफ मोदी के बाद एक बड़े और कड़े फैसले से उत्साहित लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर अब मोदी का अगला निशाना क्या होगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल संभालते ही जनता से किए वायदों को पूरा करने में लगी है, जिसे विरोधी असंभव मानते थे और इन वायदों को पूरा करने के लिए खुली चुनौती भी देते थे। मोदी सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले 3 तलाक पर प्रहार किया। राज्यसभा में कम बहुमत के बावजूद भी मोदी सरकार 3 तलाक बिल को पास कराने में सफल रही। इसके बाद मोदी सरकार ने अपना दूसरा निशाना धारा 370 और 35A पर दागा। दशकों पुरानी कश्मीर की समस्या को ही जड़ से मिटा दिया। इसके बाद बारी आई राम मंदिर विवाद की। दशकों से ये विवाद भी चला रहा था और बीजेपी की मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर विवाद को सुलझाने की घोषणा लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया था कि इस मुद्दे को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही निपटाया जाएगा। आखिरकार 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आखिरी फैसला सुनाया और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया। इस तरह मोदी सरकार का अगला निशाना बना नागरिकता संशोधन बिल। विपक्ष की एकजुटता के बावजूद भी अपने तर्कों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में विरोधियों को नागरिकता संशोधन बिल की चर्चा में धाराशाही कर दिया। सब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। और राज्यसभा में एक बार फिर कम बहुमत के बावजूद नागरिकता संशोधन बिल को पास कराने में मोदी सरकार सफल हुई। लेकिन मोदी सरकार का अगला टारगेट क्या है, लोग इसे जानने को बेहद उत्सुक हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिसाब से एनआरसी और यूनिवर्सल सिविल कोड ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो बचे हैं। बीते कुछ महीनों से पीएम मोदी या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को देखें तो साफ पता चलता है कि मोदी सरकार का अगला निशाना एनआरसी है। जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। इसके बाद मोदी सरकार देश भर में यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करने की ओर अपना कदम बढ़ाएगी। यूनिवर्सल सिविल कोड को देश भर में लागू करने की दशकों भर से मांग होती आई है और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी शामिल है। मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी इस बार कानून ला सकती है। इस बार खुद पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है।